यार आज बात करेंगे डीप राजस्थान की। हाँ जी, वैसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज अगर मैं बात करूँ, राजस्थान की आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत पॉपुलेशन है, हजारों लाखों बच्चे, चाहे वो CBSE हो चाहे वो RBSE हो, राजस्थान बोर्ड, हर साल पास आउट होते हैं। लेकिन उनका जो रुझान है एजुकेशन की तरफ वो लगातार घटता जा रहा है। इनफैक्ट राजस्थान के बच्चों के पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन क्रिएट कराया जाता है, वो है यार गवर्नमेंट सर्विसेस। हाँ, जैसे ही बच्चा 12th पास करता है, आप लोगों के पास भी बहुत सारी समस्याएं आती होगी। हाँ, अब पास कर तो नजदीकी अकेडमी, भाई तू एयरफोर्स की तैयारी कर ले, इंडियन आर्मी, नेवी, GD, SSC, पटवारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और बेरोजगारी। चार चार साल तक बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनको 4 साल बाद भी कोई सलीका नहीं है। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो, रीप के अंदर काफी कम बच्चों का रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम यूपी की तरफ देखें, दिल्ली की तरफ देखें, महाराष्ट्र की तरफ देखें, तो उधर बच्चे काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है उनमें, इंजीनियरिंग को लेके, बी फार्मेसी, फार्मेसी, BA, BEd, हाँ इनमें कम रहता है, जो भी टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज रहते हैं। लेकिन राजस्थान में क्या है, हाँ राजस्थान में ऑलमोस्ट कितनी सीटें, आज 28,000 से लेके 30,000 सीटें हैं और 10,000 सीटें भी नहीं बढ़ रही। इनफैक्ट बच्चे अप्लाई ही नहीं कर रहे, बस या तो घर पे बैठे हैं या फिर सर्विसेज के अंदर जा रहे हैं। इसका क्या रीजन है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। खैर यार, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, और काफी सारे पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। लोटो बच्चे क्या करते हैं, राजस्थान के अंदर एक सेंटर चलता है, दिस इज कॉल्ड इमित्रा सेंटर, EMITRA, हाँ जी इमित्रा सेंटर, वहां पे जाके बच्चे अपना काउंसलिंग करते हैं। हाँ जी, अरे वो इमित्र वाला लल्लू लाल काउंसलर, हाँ लल्लू लाल चमनी चोर, उसको कैसे पता भाई कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट है, कौन सा ब्रांच बेस्ट है। लेकिन मेजोरिटी 99.99% बच्चे क्या करते हैं, इमित्र वाले के पास जाते हैं, उसको 200 रुपए देते हैं और वो आपका पूरा का पूरा फॉर्म भर के देता है। तो यार आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हाँ, आप लोगों को अपना भविष्य डिसाइड करना है, आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको अच्छा ब्रांच चाहिए, आपको अच्छी चोसेस चाहिए, इमित्र वाले को कैसे पता, हाँ उसको कैसे पता कैसे भरते हैं। उसका काम है फॉर्म फिलिंग करना, फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये जो चॉइस फिलिंग होती है आपका इंडिविजुअल काम है, या फिर ये सिर्फ एक काउंसलर ही कर सकता है जिसको नॉलेज होती है। अच्छा ये कॉलेज ऐसा है, इसमें इतना प्लेसमेंट है, हाँ इसमें इतनी नौकरी है। अगर इमित्र वाले को पता होता तो क्या वो अपनी शॉप खोलता है, छोटी सी कंप्यूटर की दुकान खोलता, वहां पे क्या वो गाने डालने के लिए बैठता। तो आप लोग यार इन सब से बच के रहो। हाँ वैसे राजस्थान के अंदर मारवाड़ी लोग रहते हैं सारे, पैसे तो बिल्कुल खर्च करना ही नहीं चाहते। हाँ पैसे लग जाएंगे भैया, पैसे बचा लूं मैं, फ्री के अंदर हो जाए तो मजा आ जाएगा, हाँ फ्री के अंदर कर लेता हूँ। लोटो हजारों हमारे पास कॉल्स आते हैं, हाँ जी हाँ जी सर, ये इतनी सी तो बात है, ये तो आप हमें फ्री में बता दीजिए, हाँ इसके लिए हमें पेड काउंसलिंग प्लान लेने की क्या जरूरत है, हाँ ये तो हम इसके लिए तो हम पैसे पे नहीं कर सकते, हाँ नहीं नहीं ये काउंसलिंग वगैरह तो हमारा काम नहीं है, ये हम नहीं ले सकते, ये तो थोड़ा फ्री में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ ये तो इतनी सी तो बात है, ये तो फ्री में मिल जाए, ये MBM अच्छा है, ये इसको फर्स्ट पे रखूँ सेकंड पे रखूँ, ये तो मेरे को फ्री में मिल जाना चाहिए। अच्छा अच्छा यूट्यूब कर लेता हूँ, और यूट्यूब पे तुमको बहुत सारे चिलकतरे लल्लू लाग लोग मिलते हैं। अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा ठीक है ठीक है। खैर यार आज हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों की जो कि आपको काफी लो रैंक पे मिल जाएंगे। वैसे यार कंपटीशन रीफ राजस्थान के अंदर बहुत कम है, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 1% बच्चे भी अप्लाई नहीं करते जितनी प्रकार की सीटें। वैसे हाँ मैक्सिमम 8,000 से 9,000 सीटें बढ़ती है, वो भी प्राइवेट कॉलेजों की, गवर्नमेंट की तो ऑलमोस्ट सीटें खाली पड़ी रहती है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि यार पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर होता क्या है। हाँ तो तुमको कौन बताएगा, इमित्र वाला तुम्हारी कैसे चॉइस फिलिंग करके देगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है। हाँ राजस्थान के अंदर किसको पता है एरोनॉटिकल क्या होता है, एरोस्पेस क्या होता है, मिसाइल कैसे बनता है, सैटेलाइट कैसे बनता है, फ्यूचर में क्या स्कोप है, उड़ता कैसे, नौकरियां कैसी लगती कैसे इसमें, हाँ इसरो, नासा, SpaceX एंड HAL, NAL कैसे रिक्रूट करता है इसके लिए। हाँ वैसे तो हमारा पेड काउंसलिंग प्लान भी चलता है, आप लोग उसमें जरूर से जाके एनरोल कर सकते हो। हाँ अब वैसे आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, कुछ बच्चों के लिए मैं इसको 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं अभी राजस्थान के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कंजूस रहते हैं लोग,
पहले 50 लोगों को आप लोग रीप 50 यूज कर सकते हो, REAP 50, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप वहां पे जरूर से लाके ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 100% एडमिशन कराया जाता है गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर। साथ में आपका प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जा रहा है, जो कि आपको कोई नहीं दे सकता इस दुनिया के अंदर है। आपको मिलेंगे यूट्यूब पे लल्लू लाल चिलकतरे, जो कि आपको परमानेंट लिस्ट बांट रहे हैं 500 रुपए के अंदर, वो भी इमित्र वाले की तरह ही काम करें। खैर, हमारा मुद्दा है कॉलेजेस। यार बहुत सारे लोटो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, या तो फॉर्म वगैरह फिलिंग करने की, वो जो है जाके कहीं से अपना फॉर्म वगैरह फिलिंग करा के आते हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना है, एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है कि मेरे को पहला कॉलेज कौन सा डालना है, दूसरा कौन सा डालना है, या फिर पहले कॉलेज की कौन सी ब्रांच डालनी है। तो इसके हिसाब से थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यार अगर आपकी रैंक 1000 के अंडर आ रही है, 500 के अंडर आ रही है, देन आप गवर्नमेंट कॉलेजों को भी जरूर से टारगेट करो। वैसे आपको मैक्सिमम जो चॉइसेस फिल करनी है वो 50 से 60 चॉइस है। कुछ ही कॉलेज है हमारे पास जो कि आपको फिल करने हैं, जिसके अंदर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, RTU कोटा, CTI उदयपुर, अजमेर के अंदर कॉलेज है, एक बीकानेर में भी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बीकानेर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन यार ये जो कॉलेजेस है ठीक नहीं है, प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, नौकरी नहीं लगती है, यहाँ पे कोई मेजर कंपनी नहीं आती, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी लग जाएगी। कुछ ही आपके पास 5 से 6 कॉलेज है ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पे आपको ठीक ठाक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप लोग इनका ध्यान रखिए। जयपुर के अंदर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, प्राइवेट गवर्नमेंट, आप वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आपको सारी की सारी मिल जाती है, इंटर्नशिप मिल जाएगा आपको, ट्रेनिंग मिल जाएगा आपको, जॉब मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो जयपुर के अंदर आप जा सकते हो। लेकिन आप छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में अगर जाते हो, वहां पे चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे प्राइवेट कॉलेज है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, बेरोजगारी करेगा। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखो। जिनको भी यार समस्या आ रही है वो हमारे एक्सपर्ट टीम से कॉल करके पूछ सकते हैं, भैया क्या कैसे करना है, क्या करना है, मारवाड़ी की तरह बिल्कुल कंजूस ना रहे और अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। अच्छा कॉलेज, अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छी ब्रांच और अच्छी चॉइस ही चूज करें। आपको अगर राजस्थान में अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे भैया, लेना तो BTEC ही है, करना तो CSE है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, डोंट वरी, हमारा एक्सपर्ट टीम आपकी पूरी हेल्प करेगा। भैया राजस्थान में नहीं मिल रहा, राजस्थान में अच्छी चॉइस नहीं है, जो फीस ज्यादा है, कोई बात नहीं भैया, आप बाहर निकल जाओ, है पंजाब में ले लो आप उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग चल रही है अभी, आप वहां पे पार्टिसिपेट करो, आप महाराष्ट्र की चल रही है भैया, वहां पे पार्टिसिपेट करो आप। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा भैया, नॉलेज चाहिए, इमितर वाले के पास जाने से काम नहीं चलेगा।